विशाल धरना दिया जा रहा है कृषि बचाओ किसान बचाओ समाहरणालय दरभंगा के समक्ष। आपको बता दें कि यहाँ पर इस धरना के देने का यही मकसद है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। ये सभी मांग कर रहे हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, खासकर वो बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। किसानों के हालात को देखकर ये सभी लोग बैठे हुए धरना पर, धरना प्रदर्शन दरभंगा जिला के लहरियासराय समाहरणालय के स्थित दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ये सभी लोग एक साथ यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। आइए इंटरव्यू में सुनाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद मिथिला किसान संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद मिथिला किसान संघ, जिंदाबाद खोला जाए, खोला जाए, समाधान किया जाए, किया जाए। बैठे हैं जो अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो किसान की मांग भी उतना सही नहीं है और सरकार ने जो दिया है वह भी सही नहीं है। हम लोग चाहते हैं प्रगतिशील किसान संघ मिथिला किसान संघ कि कृषि को उद्योग का संपूर्ण दर्जा दिया जाए, कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिया जाए। उद्योग का दर्जा देने से गांव-गांव में 50 तरह का लघु उद्योग खुलेगा और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं सबको रोजगार मुहैया की जाएगी, सबका आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और किसान का जो अनाज है जो वह उपजाता है मेहनत करके उसको उनको जो है तो अनाज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए। इसलिए कि औने पौने में पूंजी वाले आते हैं और ख़रीद करके ले जाते हैं, किसान 6 महीना तक जो खेती करते हैं खेत में और पूरे परिवार मिलकर के औरत मर्द बाल बच्चा बूढ़ा जवान सब मिलकर करते हैं, उसका वो मजदूरी नहीं जोड़ते हैं। खेती करने के समय खाद बीज महंगा मिलता है, मजदूर महंगा मिलता है और जब उपजा के घर में लाते हैं तो गिद्ध की तरह जो है पैसा वाला पूंजी वाला सरकार के सहयोग से समर्थन मूल्य निर्धारित करके और उनके औने पौने में उनको बेचना पड़ता है और उनकी उनको पेट भरने तक ही मिलता है। उनका आर्थिक स्थिति घर बनाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि एक मात्र कृषि के संपूर्ण उद्योग का दर्जा दे देने से ही किसान इस सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों की मांग यही है, इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कौन है आप लोग और कहां से आए हैं? हम हैं इंजीनियर बिंदेश्वर सहनी, महासचिव प्रगतिशील मिथिला समाज और ये हैं एस प्रसाद, प्रगतिशील किसान संघ राष्ट्रीय किसान संघ के सचिव। चलिए।